गुरु की महिमा का मैं कैसे करूं बखान, गुरु से ही तो किया है ये सब अर्जित ज्ञान। ऐसा कोई कागज नहीं जिसमें वो शब्द समाए, ऐसी कोई स्याही नहीं जिससे सारे गुरुगुण लिखे जाए। वाणी भी कितना बोलूंगी, कितनी कलम चलाऊंगी। गुरु चरणों में सादर नमन करते हुए आप सबको जय जिनेन्द्र। मैं मोना बिरला आपके इस पावन सफर की साथी आप सबका भांडवपुर यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो आइए शुरुआत करते हैं प्रतिष्ठोत्सव के 10वें दिन दिनांक 14 फरवरी की खबरों से। प्रभु के लग्न संस्कार में कन्यादान में हुई स्वर्ण की बरसात, भांडवपुर की विकास यात्रा में सभी का साथ, जय रत्न सूरी जी महाराज। श्री भांडवपुर महातीर्थ में तत्वत्रयी प्रतिष्ठोत्सव का आयोजन पुण्य सम्राट श्री जयंतसेन सुरेश्वर जी मरासा के पटधर द्वय गच्छाधिपति श्री नित्यसेन सुरेश्वर जी एवं भांडवपुर तीर्थोद्धारक आचार्य देव श्री जयरत्न सुरेश्वर जी मरासा आदि विशाल श्रमण श्रमणी वृंद की शुभ निश्रा में विविध धार्मिक एवं सांस्कृतिक आयोजनों के साथ दिनांक 5 फरवरी से 20 फरवरी 2024 तक आयोजित किया जा रहा है। मीडिया प्रभारी कुलदीप प्रियदर्शी ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रातः 8 बजे क्षत्रिय कुंड नगरी में गच्छाधिपति श्री नित्यसेन सुरेश्वर जी महाराज, भांडवपुर तीर्थोद्धारक आचार्य देव श्री जयरत्न सुरेश्वर जी महाराज, विमल गच्छाधिपति आचार्य श्री प्रद्युम्न विमल सुरेश्वर जी महाराज, आचार्य श्री नरेंद्र सुरेश्वर जी महाराज आदि विशाल श्रमण श्रमणी वृंद को तीनों मुमुक्षु रत्नों द्वारा दीक्षा निमित्त उल्लास और उमंग के साथ नृत्य करते हुए केसर छांटी गई। क्षत्रिय कुंड नगरी में प्रभु के लग्न संस्कार से पहले धर्म सभा गच्छाधिपति श्री नित्यसेन सुरेश्वर जी के मंगलाचरण के साथ प्रारंभ हुई, जिसमें भांडवपुर तीर्थोद्धारक आचार्य देव श्री जयरत्न सुरेश्वर जी महाराज ने साहित्य विशारद मुनिराज श्री देवेंद्र विजय जी महाराज की 9वें अवतरण दिवस एवं 76वें संयम पर्याय दिवस पर उनका स्मरण करते हुए कहा कि वे साहित्य आकाश के उत्कृष्ट स्तंभ थे। गच्छाधिपति श्री जयानंद सूरी जी, नित्यसेन सूरी जी, नरेंद्र सूरी जी भांडवपुर के प्रत्येक कार्य में साथ है। जयंत देवेंद्र जब भांडवपुर पधारे थे तब इसके विकास का स्वप्न संजोया था, वह आज संपूर्ण हो रहा है। उसमें जयरत्न सूरी ही नहीं अपितु सभी साथ है। सभा में सनातन वैदिक संस्कृति के पोषक महंत श्री आशा भारती जी गोल, महंत श्री रणछोड़ भारती जी लेटा, महंत श्री प्रेम भारती जी गजीपुरा, महंत श्री बाबू गिरी जी पुनासा देता, महंत श्री उम्मेद गिरी जी कोमता, महंत श्री चैतन्य गिरी जी पादरा, पीर श्री गंगानाथ जी के शिष्य श्री किशोरनाथ जी, महंत श्री ईश्वरनाथ जी, महंत श्री रेवतनाथ जी उदयपुर आदि संत महंत पधारे, जिनका लाभार्थी परिवारों द्वारा बहुमान किया गया। श्री महावीर जैन श्वेतांबर पेढ़ी, श्री वर्धमान राजेंद्र जैन भाग्योदय ट्रस्ट, श्री तत्वत्रयी प्रतिष्ठा महोत्सव समिति के द्वारा संपादित होने वाले प्रतिष्ठोत्सव में आज राज दरबार में 10वें दिन दिनांक 14 फरवरी 2024 को तीर्थ परिसर में प्रतिष्ठा निमित्त भगवान लग्न संस्कार के अंतर्गत प्रभु की भव्य बारात शोभा यात्रा के रूप में निकाली। सुप्रसिद्ध विधिकारक श्री सत्य विजय जी हरण के नेतृत्व में श्री विरल भाई शाह एवं श्री त्रिलोक भाई कांकरिया ने विधि पूर्वक प्रभु का लग्न संपन्न करवाया। कन्यादान के समय स्वधर्म इंद्र इंद्राणी राज परिवार के साथ ही सभा में उपस्थित लोगों ने स्वर्ण की बरसात करते हुए कन्यादान किया, साथ ही जीव दया में भी उदार मन से राशि लिखवाई। दोपहर में श्री संकेत अष्ट प्रकारी पूजा शाह छगनराज जी रामाजी हुकमानी पांथेड़ी की ओर से क्रिया मंडप में संगीतकार द्वारा पढ़ाई गई। प्रातः की नवकारसी शाह मानमल जी वीरमाजी संघवी दाधाल, दोपहर की नवकारसी शाह संघवी श्रीमती रमकू देवी पारसमल जी मिश्रीमल जी दाधाल एवं साय की नवकारसी शाह भवरलाल जी तेजराज जी संघवी भीनमाल की ओर से हुई। साई गजराज पर बैठकर सकल श्री संघ के साथ कुमारपाल महाराजा की आरती करने का लाभ
श्रीमती रंकु देवी मिश्रीमल जी भभूता जी बालगोता सुराणा ने लिया। आयोजन में प्रभावना शाह जगराज जी सूरजमल जी संकलेचा दासपा परमात्मा एवं गुरु प्रतिमाओं की नयनाभिराम अंगरचना शाह गुणेश मल जी लादा जी छत्र गोता मलानी चोराऊ एवं प्रभु भक्ति और रोशनी शाह गोकुलचंद जी प्रभा जी बंदा मुथा पांथेड़ी की ओर से हुई। साई भक्ति में संघवी दीपक राजेंद्र करणपुरिया द्वारा भक्ति गीतों की सुंदर प्रस्तुति दी गई। साथ ही राष्ट्र कवि कुलदीप प्रियदर्शी ने गुरु राजेंद्र पुण्य सम्राट के गुणानुवाद काव्य पाठ किया, जिसका करतल ध्वनि से स्वागत किया। श्रोताओं के अनुरोध पर माँ पर लिखा गीत दृष्टि डालो सारी सृष्टि पर, माँ से नहीं बड़ा होता, जिसने माँ का दिल दुखाया उसके जीवन में दुखड़ा होता, सुनाया तो सभी के नेत्र छलक आए। काव्यमयी संचालन ओम आचार्य ने किया। श्री चंद्र प्रभु जैन नया मंदिर ट्रस्ट चेन्नई के महासचिव श्री सुरेश जी कागरेचा के साथ सदस्य पधारे। तो ये था आज का विवरण। अब जाने से पहले एक बार नजर 11वें दिन पे होने वाले आयोजनों पर। महोत्सव के 11वें दिन दिनांक 15 फरवरी 2024 को तीर्थ परिसर में प्रतिष्ठा निर्मित भगवान का राज्याभिषेक नवलोकांतिक देवों द्वारा दीक्षा की विनंती का आयोजन राजदरबार में कलाकारों द्वारा मंचित किया जाएगा। प्रातः 10 बजे मुमुक्षु भव्या कुमारी अदानी, नीमाबेन देसाई, रवीना कुमारी सोलंकी तीनों मुमुक्षुओं का वर्षी दान का भव्य वरघोड़ा तीर्थ परिसर से प्रारंभ होगा, जो मुख्य मार्ग से होता हुआ श्री वर्धमान राजेंद्र माध्यमिक विद्यालय में पहुंचेगा, जहां मुमुक्षुओं द्वारा दानशाला के माध्यम से अन्न और वस्त्र वितरण किया जाएगा। दोपहर में श्री पंचतीर्थ पूजा संगीत की मधुर स्वर लहरियों के साथ लाभार्थी परिवार द्वारा पढ़ाई जाएगी। प्रातः की नवकारसी, दोपहर की नवकारसी एवं साय की नवकारसी लाभार्थी परिवार की ओर से होगी। आयोजन में लाभार्थी परिवार की ओर से प्रभावना परमात्मा एवं गुरु प्रतिमाओं की नयनाभिराम अंगरचना एवं प्रभु भक्ति और रोशनी भी होगी। जिस इंसान को ज्ञान मिले वो अपने जीवन को समझता है, लक्ष्य बना अपना एक वो मार्ग में उसी के चलता है, न भटका सकता उसको कोई, वो सभी खेलों को समझता है, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर वो एक नया इतिहास रचता है। तो आज का हमारा सफर यहीं तक। तीर्थोधारक आचार्य देव श्री जयरत्न सुरेश्वर जी महाराजा की प्रेरणा में चल रहे भाजपुर यूट्यूब चैनल पर एक में आईटी सॉल्यूशन जोधपुर की कोऑर्डिनेशन में नाकोड़ा स्टूडियो भीनमाल की वीडियो फुटेज के साथ मैं मोना बिरला आज के लिए लेती हूँ आपसे इजाजत। हम कल फिर मिलेंगे नई ऊर्जा, नई उमंग और नई खबरों के साथ। तब तक आप बने रहिए भाजपुर यूट्यूब चैनल के साथ और देखना ना भूलिए तीर्थ के लाइव प्रोग्राम। आपका दिन मंगलमय हो। जय जिनेंद्र।